तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उसको जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई टैक्स रिलेटेड और ऑटोमोबाइल रिलेटेड वीडियो अपने चैनल गाइड फॉर टेक में डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो इसको बेल आइकन को जरूर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट आपका गाइड उज्ज्वल बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल में। दोस्तों मैं पहले ही यहां पर Xiaomi के पोको F1 की अनबॉक्सिंग कर चुका हूं अपने चैनल पे, अगर नहीं देखी तो जाके आप देख सकते हो। आज की इस वीडियो में करने वाला उसके कैमरे का यहां पर टेस्ट कि आखिर में कैमरा यहां पर कैसा खरा उतरता है या नहीं, और प्राइस तो काफ़ी अच्छा है, कैमरे का टेस्ट इस वीडियो में करने वाला हूं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों इस समय जो आप मेरी इमेज देख रहे हो और जो रिकॉर्डिंग देख रहे हो वो बैक कैमरे से हो रही है पोको F1 की, और आप अभी इमेज स्टेबलाइजेशन देख सकते हो बैक कैमरे का कैसा है पोको F1 का। तो थोड़ी देर यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ कैसा यहाँ पर सेचुरेशन है और यहाँ पर कैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब मैं यहाँ पर आप लोग को दिखाता हूँ वीडियो स्टेबलाइजेशन, अगर मैं वॉक कर रहा हूँ तो ऐसे मिल रही है और अगर मैं दौड़ता हूँ तो कैसे मिलती है। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो दौड़ने से भी वीडियो काफी स्टेबल है। तो फाइनली दोस्तों इस समय जो आप मेरी फुटेज देख रहे हो वो पोको F1 के फ्रंट कैमरे से की है जो कि 20 मेगापिक्सल का है। तो इमेज स्टेबलाइजेशन यहाँ पर वीडियो की स्टेबलाइजेशन आप देख सकते हो और बाकी कलर्स आपको बैकग्राउंड में कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो मैं अभी यहाँ पर सीधे चल रहा हूँ, दौड़ नहीं रहा हूँ, सीधे वॉक कर रहा हूँ यहाँ पर। तो कैसा यहाँ पर स्टेबलाइजेशन आपको सिस्टम मिलता है वो आप यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा दौड़ता हूँ कम स्पीड में। तो कुछ ऐसी आपको यहाँ पर फुटेज मिल जाती है फ्रंट कैमरे से, और आप कलर का यहाँ पर देख सकते हो कैसा करेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। मुझे यहाँ पर काफ़ी नेचुरल वीडियो लग रही है इसके फ्रंट और बैक कैमरे दोनों से। तो अभी दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कितनी जल्दी ये फोकस करता है। तो अभी मैं ट्री को यहाँ पर भी देख फोकस करा रहा हूँ और यहाँ पर अब मैं यहाँ करता हूँ तो काफ़ी तेज़ यहाँ पर ये फोकस कर रहा है इसका जो कैमरा है पोको F1 का। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसा यहाँ पर आपको मिल जाता है, तो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पर ये फोकस आपका कर रहा है, पेड़ को मैं यहाँ पर फोकस कर रहा हूँ और काफ़ी बेहतरीन मुझे यहाँ पर रिस्पांस मिल रहा है।
अब बात करते हैं यहाँ पर कैमरा आपको कैसा देखने को मिल जाता है। तो ये बैक कैमरे से लिया बिना पोर्ट्रेट के, और अब मैं यहाँ पोर्ट्रेट को ऑन करके मैंने लिया है तो काफ़ी अच्छी इमेज आई है। और बैक कैमरे से मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और मोड को ऑन नहीं किया है, और उसके बाद मैंने AI मोड को ऑन करके यहाँ पर किया हुआ है, पिक को लिया हुआ है, तो इमेज यहाँ पर मुझे काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को फोकस किया है, लकड़ी की जो डंडी है उसको मैंने यहाँ पर फोकस किया है, तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर लीव वीव की जो काफ़ी नेचुरल है। और बैक कैमरे मैंने यहाँ पर फ्रंट कैमरे से ये लिया है सेल्फी, और बिना पोर्ट्रेट के ये पोर्ट्रेट ऑन करके मैंने सेल्फी लिया है। मैं कुछ और सेल्फीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पर सेल्फी लिया हुआ है विदाउट पोर्ट्रेट के, और अभी मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट को ऑन करके यहाँ पर लिया है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ अंतर आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। तो इमेजेस काफ़ी यहाँ पर बेहतरीन है बैक कैमरे से, आपको पोर्ट्रेट के साथ कुछ ऐसे देखने को मिलती है, और अगर बैकग्राउंड को ब्लर ना किया जाए तो ऐसा यहाँ पर आपको देखने को इमेज मिल जाती है, जो कि काफ़ी रियल और नेचुरल यहाँ पर लुक देती है। तो ये कुछ मैंने बॉक्स की ली थी, तो यहाँ पर डिटेलिंग आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये मैंने नॉर्मल यहाँ पर इमेज ली थी, और अभी आप देख सकते हो सामने वाली बिल्डिंग को मैं यहाँ पर जूम करके मैंने एक फोटो क्लिक की है, तो आप देख सकते हो ये है इमेज जूम करके, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बेहतरीन मुझे नेचुरल फ़ोटोज़ देखने को मिली है ओवरऑल पोको F1 की। और गिव अवे भी इसका मैंने अनाउंस कर दिया है, तो आपने अभी तक गिव अवे में पार्टिसिपेट नहीं किया है तो आप कर सकते हो, और पूरा मैंने वीडियो का लिंक दिया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो इसे प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल गाइड फॉर टेक उज्ज्वल को, क्योंकि मैं इसमें रोज़ाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर आते रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।